हेलो माय लवली ऑडियंस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल परूज स्टाइल कॉर्नर पे। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सेफ भी होंगे अपने घर में। तो आज का जो हॉल है वो मिंत्रा और कुछ ड्रेसेस मैंने फेबेली या जम सूट लिए हैं, तो पूरा वेस्टर्न वेयर हॉल है। एक कुर्ती है तो आपको इसको मिक्स फैब एली और मिंत्रा हॉल वीडियो मान सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने एक दो ड्रेसेस ली, क्योंकि मिंत्रा पे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी या मेरा साइजेस नहीं मिल रहा था। तो जहां पे भी मुझे लगेगा कि प्रॉपर सभी साइजेस मिल रहे हैं जिस वेबसाइट पे, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइजेस सभी आउटफिट्स के आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मेरा लिंक बाय बुलबुल शॉप मिलेगी, उससे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें आपको एथनिक वेयर के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे इन अफोर्डेबल रेंज, तो उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस हॉल वीडियो। फर्स्ट पीस में मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है एक जंप सूट जो मैंने फैब एली ब्रांड का लिया है और फैब एली की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। तो ये है अर्दन बाय इंडिया, स्मॉल साइज है मेरा इसमें। स्मॉल जो एक्स्ट्रा स्मॉल था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने स्मॉल किया। तो मुझे इसकी काफी अच्छी कंफर्टेबल फिटिंग आई है, बहुत एकदम टाइट भी नहीं है, जो थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, तो ये फिटिंग मुझे सही आई है। मुझे थोड़ा सा स्लीव से ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा है कि टाइट हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा खुलवा के ठीक करवा सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा आर्म्स का वर्कआउट अभी चालू करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके के इसको आप कौन सा कलर बोलते हैं, मॉफ पिंक कलर में है, डस्टी पिंक कलर, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है कलर। तो प्योर कॉटन फैब्रिक में आपको ये जंपसूट मिलता है, इस तरीके की वी नेक मिलेगी, पफ स्लीव्स मिलेंगी, पोल्का डॉट्स दिए गए हैं, इस तरीके का पैटर्न है और पूरे में इसमें कंसील्ड जिप क्लोजर पीछे दे रखा है इस जंप सूट में पहनने के लिए, तो इजीली आप इसको पहन सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे थ्री बटन्स दिए हैं, तो मुझे इसमें पीस में ये प्रॉब्लम आई है कि ये बटन थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टूटा हुआ मुझे मिला है, तो आई थिंक इसको मुझे शायद रिप्लेस करना होगा या रिटर्न ही करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि रिप्लेस का ऑप्शन होगा या रिटर्न का। तो इस तरीके का आपको ये थोड़ा लूज फिटेड स्टाइल में जंप सूट मिलता है, मतलब बेल बॉटम स्टाइल में नीचे जंप सूट दिया गया है, एकदम फिटिंग वाला नहीं आएगा। तो मुझे तो पर्सनली इसी तरीके के पसंद आते हैं, तो थोड़ा सा लेग्स एकदम चिपके ना हो, उस तरीके लूज फिटिंग के हो। और साइड में इन्होंने आपको पॉकेट्स भी मिल जाती है इसमें, बोथ साइड्स इस जंप सूट में, जो कि एक काफी प्लस पॉइंट है। तो आगे तो आप इसका पैटर्न देख रहे होंगे, आगे इस तरीके का पैटर्न मिलता है, तो प्रॉपर लुक वाइज ये कैसा लगता है, मुझे तो पहनने पे काफी अच्छा लगा। आप बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये, मुझ पर कैसा लग रहा है। तो प्रॉपर लुक आप फ्रंट पार्ट में देख रहे होंगे इसका। नेक्स्ट पीस है वो है ये एक क्रॉप टॉप जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इस तरीके के जॉर्जेट फैब्रिक में है, प्रेटी लविंग थिंग करके इसकी ब्रांड है, एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा साइज है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने एक दो वीडियो में इसको वेयर भी किया है, बाहर भी एक दो बार पहन चुकी हूँ, पर आप लोगों के साथ शेयर अभी कर पा रही हूँ, कर नहीं पाई मैं। स्लीव्स फुल मिलेंगी, बेल टाइप की स्लीव्स मिलेंगी, जॉर्जेट फैब्रिक में है जैसे कि मैंने बताया, पूरे में अंदर कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग देख के, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है इस तरीके का। इसमें पीछे बैक में बांधने का पैटर्न दे रखा है, ये देखिए, ठीक है, तो बैक से इस तरीके का है, पीछे यहाँ पे ऐसे बांधने को नॉट लगा सकते हैं, पफ टाइप की इसकी स्लीव्स आती हैं और नेक इसका डीप दे रखा है, ऐसे रैप फॉर्म वाले स्टाइल दे रखा है, जो रैप करके पहना नहीं है, सिर्फ पैटर्न दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये इसके, ये देखिए आपने यहाँ देख रहे होंगे, सेफ्टी पिन लगा रखी है, क्योंकि थोड़ा सा डीप वी नेक दे रखा है और उसके आपको नेक पोर्शन पे इस तरीके की रफल्स टाइप की डिटेलिंग मिल जाती है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप फ्रंट पार्ट में देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट पीस है वो एक कुर्ती है जो मैंने मिंत्रा से ली है, ब्रांड है लिपास, एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा साइज है, ये देखिए स्ट्रेट फिट ये कुर्ती है, इसके पूरे नेक पोर्शन पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, तो आप इसको फंक्शंस वेडिंग वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं। इस तरीके का नेक मिलता है, राउंड नेक है, फिर यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न दे रखा है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी की गई है इसके योग पोर्शन पे, काफी क्लीन एंड फाइन है। इसकी स्लीव्स की मेनली मैंने वजह से लिया,
स्लीव्स ना बड़ी प्यारी सी लगती है पहनने के बाद, थोड़ी बलून टाइप की स्लीव्स मिलती है। यहाँ पे लेस लगा रखी है जिसपे गैदर डिटेलिंग है और यहाँ पे अगेन एम्ब्रॉयडरी है। इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, तो फेस्टिवल वेडिंग वगैरह में इस तरीके का शाइनी वाला ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है। पहन के देखा बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा स्किन को, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। साथ में ये स्ट्रेट फिट कुर्ती है पूरी, फिर पूरी प्लेन है, ब्लैक कलर में है जैसे कि आप देख रहे हैं, और बैक से पूरी ये प्लेन है। मैंने जैसे कि बताया फैब एली की ऑफिशियल वेबसाइट से ये एक दो मैंने ड्रेसेस ली हैं। एक ये ड्रेस है जो कि प्लेटेड स्टाइल में है और इस तरीके की प्रिंट में। एक्चुअली मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद आया, प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके के पीच व्हाइट एंड ब्लैक में है, जिसमें वर्टिकल ऐसे स्ट्राइप्स बनी हुई हैं और इसका जो फ्लेयर पोर्शन है पूरा प्लेटेड स्टाइल में आप देख पा रहे होंगे। अंदर इस ड्रेस में पूरे में पॉलिएस्टर की लाइनिंग है और इसमें साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया, लेकिन मुझे फिर भी ये थोड़ी बहुत लूज लग रही है। तो इस तरीके के वी नेक में मिलती है और यहाँ पे इन्होंने ये देखिए हुक लगा रखा है इसके, और पीछे कंसील्ड जिप क्लोजर दे रखा है ये देखिए इस ड्रेस को पहनने के लिए। ठीक है, पूरी इस तरीके की फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है और इसमें ये देख पा रहे होंगे आप बेल्ट दे रखा है बांधने के लिए। गाइस मैंने मिंत्रा से ही एक ब्लेजर ड्रेस ली है जिसको आप एज ए ब्लेजर भी पहन सकते हैं। एक्चुअली ऐसे ब्लेजर पहनने के लिए ही ये ली है, तो इसमें दो तीन कलर आई थिंक ऑप्शन अवेलेबल थे। मैंने ये ब्लैक कलर में लिए कि ब्लैक कलर सब पे चला जाता है। तो इस तरीके की ये ब्लेजर ड्रेस मिलती है आपको, जिसकी स्लीव्स बड़ी स्टाइलिश दे रखी है। इस तरीके की टिश्यू फैब्रिक की स्लीव्स दे रखी है, जो पफ टाइप की स्लीव्स आती हैं, और यहाँ पे बेल स्टाइल वाला पैटर्न दे रखा है। ये है ब्रांड सेसफ्रास से, स्मॉल साइज है। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया था पहले, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही फिटेड वाला हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लूज चाहती थी, इसलिए मैंने स्मॉल मंगवाया। ठीक है, स्लीव्स पैटर्न बताया जिस इस तरीके की मिलती है आपको, इस तरीके का ब्लेजर फॉर्म में मिलता है जिसमें आगे इस तरीके के बटन्स दे रखे हैं। ये देखिए क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, मुझे पर्सनली ये पीस बहुत पसंद आया है और मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है 700 समथिंग का मिल गया था, तो आई थिंक उस हिसाब से ये टोटली वर्थ है, काफी अच्छे प्राइस रेंज में मुझे मिल गया है। तो नेक्स्ट पीस है वो अगेन एक ड्रेस है फैब एली ब्रांड की, स्मॉल साइज में है और इस तरीके की ये मिनी ड्रेस है या मिडी ड्रेस तक आएगी मेरे जैसे हाइट वालों को। तो ये देखिए इस तरीके के ऑफ व्हाइट से कलर में है, तो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन पहनने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो इसका नेक आप देख पा रहे होंगे स्वीट हार्ट टाइप नेक मिलता है, पफ टाइप की इस तरीके की स्लीव्स मिलेंगी और फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है, पूरी व्हाइट कलर की फिर प्लेन है। बस इसका जो आगे का ये पैटर्न है ये मुझे काफी अच्छा लगा, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का। इसमें ये बकल वाला बेल्ट भी दे रखा है, वुडन वाला। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि मुझे इसको रखना चाहिए या नहीं। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देना मत भूलिएगा। यदि आपको मेरे रिव्यूज हेल्पफुल लगते हैं और मेरी वीडियोज आप देखना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इट्स टोटली फ्री। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट हॉल वीडियो में बहुत जल्द ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड गाइज बाय बाय।